सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक राव के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज करोगे, नई नई चीजें क्रिएट करोगे। सो गाइस, फाइनली ब्लेंडर 4.15 बिग अपडेट आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी अपडेट्स के बारे में, क्या क्या अपडेट ब्लेंडर ने दिए। हम इस बार ब्लेंडर ने सब सेक्शन के लिए अलग से डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स दिए, जैसे कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, शेडिंग, कंपोजर, इवन वीडियो एडिटिंग तक के लिए हमारे पास बहुत सुपर एंड नासू यहाँ पे अपडेट्स है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे आप देखेंगे कि आपको कितनी सारी यहाँ पे अपडेट्स मिली होगी। अल्टीमेट अपडेट इसके बाद जो ब्लेंडर अपडेट देगा वो कुछ समय बाद देगा। तो ये वर्जन आपके लिए बग्स फ्री, सारे बग्स इतने लोगों से फिक्स कर दिए हैं और जितने भी न्यू अपडेट्स हैं और काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। जो आप चेंजेस आप काफी टाइम से जो ब्लेंडर यूज करते आ रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज करें, जैसे कि इन्होंने ऑटो स्मूथ हटा दिया, ऑटो स्मूथ इन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसके बाद इन्होंने जो डायलॉग बॉक्स आ रहे थे उसमें कैंसिल का ऑप्शन दे दिया है, कई जगह पे इन्होंने चीजें रिमूव कर दी है, जैसे मक्स ग्रेट एक हमारा था उसको हटा दिया है, उसको उसमें नॉइज में ऐड कर दिया। तो काफी चीजें इन्होंने अपडेट्स दी है, तो इस बार प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। कभी भी आपको पुराना किसी क्रिएटर का वीडियो देखेंगे उसमें अगर वो मान लो कोई नोड यूज कर रहा होगा और उस अपडेट अगर हम नए अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपको वो नोड नहीं मिलेगा। तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से नोड गायब हो गए, किसमें मर्ज हुए, किसमें से डिसअपीयर हो गए, किसमें मर्ज हुए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड मेक श्योर ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ऑल एट एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ गाइस वीडियो को देखते हैं, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आप भी सीखने चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स अभी ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो आप भी इंटरेस्टेड हैं ब्लेंडर को इन डेप्थ में सीखने के लिए तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अभी उसके करंट प्राइस पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको बस कोड यूज करना है DG20 और आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर कुछ समय के लिए वैलिड है, तो प्लीज चलिए और इसको यूज करिए इस कोड को एंड सीखिए ब्लेंडर इन डेप्थ में, वो भी अपनी आसान एंड रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। सो पहले अपडेट हमारी यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस में सबसे मेजर चेंजेस हुए वो हमारे कलेक्शन मेन्यू में। कलेक्शन मेन्यू में बेसिकली क्या हुआ कि आप एक साथ आप पूरे पेरेंट की हायरार्की को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के साथ पेरेंट है या लिंक है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी हायरार्की एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, जो हमको पहले राइट क्लिक करके सिलेक्ट हायरार्की करना पड़ता है। ओके, एनी सी के साथ साथ आप बेसिकली यहीं से ही अपने कलेक्शन मेन्यू से अपने मॉडिफायर को अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है नई शॉर्टकट की एड कर दिए शिफ्ट ए, जिससे आप चीजों को एक्सपेंड एंड क्लोज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। अगर आप देखेंगे कलेक्शन मेन्यू में हमको इतनी सारी फ्रीडम मिल गई है, चीजों को हमको टर्न एंड टर्न ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऑलराइट, एंड इसी के साथ साथ जितने भी ऑपरेटर डायलॉग मेन्यू आते हैं हमारे पहले, उसमें कहीं में भी कैंसिल का ऑप्शन नहीं होता, अब यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दिया है। एंड उसके साथ साथ जितने भी फीचर्स हैं सबमिनेटिव कॉर्नर राउंड एकदम स्मूथ राउंड यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन कर दिए, जो दिखने में थोड़े विजुअली अपीलिंग अच्छे लग रहे हैं। ऑलराइट, इन्होंने बेसिकली ब्लेंडर को इतना कस्टमाइजेबल कर लिया, डजंट मैटर आपकी स्क्रीन बड़ी है छोटी है, तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी चीजों को छोटे कर दोगे। उसके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आप छोटा करेंगे तो आपके ऑप्शन चले जाएंगे, आपके ऑप्शन भी उसमें छोटे उसी हिसाब से होंगे। तो अगर आपकी स्क्रीन भी छोटी है तो आपके ऑप्शन फिर भी पूरे देखेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इनपुट टूल में हिंट का ऑप्शन दे दिया कि जैसे मान लो यहाँ पर कैमरा आएगा तो हमने हल्का सा ग्रे आउट दिखा दिया, यहाँ पर कैमरा ऐड करना है, मतलब हर चीज में यहाँ पर हिंट मिलेगी, आप कैमरा ऐड करना है, सीन ऐड करना, तो आपके लिए चीजें और आसान हो गई है अगर चीजों को आपको ऐड करना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन है मेरे हिसाब से। स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग के इन्होंने न्यू आइकन सेट कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, जॉइन एरिया एंड स्वाइप एरिया के इन्होंने नए आइकन सेट कर दिए और बड़े कर दिए ताकि हमको आसानी से ये चीजें दिख सकें। एंड आप ब्लेंडर यूजर इंटरफेस से डायरेक्टली सारे फॉर्म को वहाँ पे चेंज कर सकते हो और लाइव भी देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे सारे फॉर्म को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। अपने सामान किसी अगर आईसेट कम भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपको लाइव भी देख सकते हैं कौन सा सेक्शन हमारे किस फॉर्म के साइज को अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली जो हमारा फायर ब्राउजर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, मतलब आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे मैंने बोला था स्क्रीन अगर आपकी छोटी हुई फिर भी आपके लिए वो पूरी ट्रेनिंग रखे। एंड इसके साथ जो हमारे टूल टिप्स है वो हमें बताता है कि बेसिकली कौन सी फाइल है ब्लेंडर के, कौन सा वर्जन फाइल है, MP4 MP3 है, तो यहाँ से आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा कलर पिकर का जो डायलॉग बॉक्स था बेसिकली उसका जो सर्कल था बहुत छोटा था, वो बहुत ज्यादा थिक कर दिया उन्होंने, अब इसी के साथ साथ साइड बार भी उन्होंने थिक कर दिया है। एंड उसी के साथ साथ ब्लेंडर में जो बेसिकली टेक्स्ट टाइप का हमारा था, जो पहले आइकन इमोजीज नहीं दिखते थे, अब इन्होंने आइकन इमोजी को भी जो टेक्स्ट वाले जो हमारे फॉन्ट है बेसिकली उनको यहाँ पे इम्पोर्ट करके सपोर्टिव बना दिया है। एंड इसी के साथ साथ आप ब्लेंडर में कोई भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं और वो भी बहुत ईजी तरीके, जो भी आप लैंग्वेज देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में लिख के उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज में या चाइनीज में किसी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें एक नई अपडेट आई, वो मेरे को बढ़िया लगी।
जो हमारा कलर आई ड्रॉपर था बेसिकली वो पहले विंडो में था कि हम ब्लेंडर के बाहर से भी कलर पिक कर सकते थे। हम मैक वालों के लिए भी सुविधा यहाँ पे इनेबल कर दी गई है कि अब अगर मैक में भी आप बेसिकली विंडो के बाहर से भी कलर को पिक कर सकते हैं। रीसेंट फाइल्स में अब हमको रीसेंट फाइल के साथ साथ उसका थंबनेल दिखेगा कि कौन सी फाइल है, ब्लेंडर का वर्जन दिखेगा, डायरेक्टली क्लियर और रीसेंट फाइल भी कर सकते हैं एक ही क्लिक में। इमेज एडिटर में आप इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं और सेम इसी के साथ साथ जो वीडियो एडिटर है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी ज्यादा नाइस एंड क्लीन हो चुका है। वहाँ पर भी हम चीजें ऐसे ही रोटेटेबल और चीजें और ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ गाइस कैमरा के लिए एक नया लॉक बटन आ गया। आपको बार बार लॉक बटन के लिए साइड बार में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आप उसको डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं। अगर आप व्यू बोर्ड में मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अगर आप एफ वाली की प्रेस करेंगे तो आप ऊपर नीचे बेसिकली वॉक कर सकते हैं जैसे हम बेसिकली गेम में करते हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं मॉडलिंग के अपडेट्स की। मॉडलिंग के अपडेट्स काफी यूनिक है, तो देखते हैं मॉडलिंग में हमारी क्या क्या अपडेट्स आई है। तो पहली अपडेट है हमारी मॉडलिंग सेक्शन से ऑटो स्मूथ हटा दिया। ऑटो स्मूथ हटा दिया तो उन्होंने किया क्या है, बेसिकली ने ऑटो स्मूथ हटा के एक नया टूल यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो उस टूल का नाम है बेसिकली मैश एट्रीब्यूट। अब आप बेसिकली मैश एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग अपनी चीजों के लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जब उस एट्रीब्यूट को उस चीज को ऐड करोगे तो आपको बार बार राइट के लिए ऑटो स्मूथ करने की जरूरत नहीं, जो कि काफी बढ़िया भी है मेरे हिसाब से एंड बहुत ज्यादा फ्रेंडली। अगर आप मॉडलिंग करते तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे ऐड ऑन होते हुए दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ जो यहाँ पे बेसिकली इसका नाम है जो उन्होंने चेंज कर दिया है, उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसका नाम उन्होंने रखा है सेट शार्प माई एंगल्स। एंड वो सेम चीज वही वो भी एंगल वाइज ही करता है, बट आप उसको लाइक ऑब्जेक्ट मोड में भी अगर आप देखेंगे अपने राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ जो आता था वो अब सेट शार्प बाई एंगल आ रहा है। एंड एडिट मोड में भी आप ये सेम चीज कर सकते हैं। तो इसके एक ह्यूज अपडेट है पर बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप एक मॉडलर है, अगर आप मॉडलिंग करते हैं ब्लेंडर, तो इसमें काफी चीजें आप एट्रीब्यूट में ऐड करके पर्टिकुलर एंगल्स पर्टिकुलर फेसेस सिलेक्ट करके यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, ताकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। जो एक साथ पूरा सेक्शन हो जाता था वो एकदम मिलना नहीं था। एक और तरीका है, अगर आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली नया मॉडिफाइन लोगों ने ऐड करा है जिसका नाम है स्मूथ बाय एंगल। उसको आप यूज करके आप डायरेक्टली ये सब चीजें कर सकते हैं, वही सारे वैल्यूज को आगे पीछे करेंगे। और ये पूरा जितना स्मूथ बाय एंगल है बेसिकली ये ज्योमेट्री नोड पे बेस्ड है, तो आपके लिए और ज्यादा चीजें क्या कह सकते कस्टमाइजेबल कर दी है और ज्यादा मजा आएगा आपको इसको बेसिकली यूज करने के लिए। एंड इसमें इन्होंने एक ऑप्शन और कर दिया कि आप बेसिकली ब्लेंडर प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कस्टमाइज एंड सिंप्लीफाई नॉर्मल्स कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप इसमें अगर सिंप्लीफाई नॉर्मल्स करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी नॉर्मल्स है वो नॉर्मल्स एकदम सिंप्लीफाई हो जाएंगे। उसको अगर आप मॉडिफायर यूज करते हो तो उसको ज्यादा फ्रीडम के साथ ज्योमेट्री नोड वाला जो मॉडिफायर है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ह्यूज अपडेट आई थिंक मॉडलिंग डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा। एंड इसी के साथ मॉडलिंग में बेसिकली शेप कीज अब हमको प्रिवेंट कर देंगे, जो हमारे अचानक से चीजें मूव हो जाती थी वहाँ पे एक लॉक का आइकन दे दिया जिसमें आप बेसिकली चीजें डायरेक्टली और लॉक कर सकते हैं ताकि आपका मेश मूव ना हो। वॉक्सल रिमूव और प्रिजर्व करता है हमारे कस्टम एट्रीब्यूट को। एंड एडिट मोड में उन्होंने चेंजेस करें कि थोड़े जो हमारे एजेस थे वो ज्यादा शार्प दिख रहे हैं, ज्यादा बढ़िया से दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ जो टेक्स्ट ओवरलेज है जो हमारे एडिट मोड में जाने के बाद नहीं दिखते थे, विजिबल नहीं होते थे, अब वो ज्यादा अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। एंड एक न्यू कर्व सिस्टम है जो हमारा अभी करंटली हमारा ज्योमेट्री नोड में यूज होता है, उसमें अब कर्व्स का भी ऑप्शन आ गया जिसमें जैसे उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इवन टिल्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफी हैंडी और काफी यूजफुल हमारे यहाँ पे दिख रहा है। एंड लास्ट बेसिकली स्कल्पटिंग मोड में उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ शार्प का एक ऑप्शन दे दिया जिसमें आप मास्किंग करके डायरेक्टली चीजों को फेस सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। ओके, सो एनिमेशन में बेसिकली उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, इस पहला जो चेंजेस है कि जो हम आई प्रेस करके जो की फ्रेम लगाते थे वो अब यहाँ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या है वो डिफॉल्ट जो वो चेंज कर दिया, अब जो उसकी डिफॉल्ट की है वो है के से आप बेसिकली इसकी यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एडिट प्रेफरेंस में जाके अपना किंग सेट में जाके पहले डिफॉल्ट किंग सेट चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मतलब खुद से सेट कर सकते हैं कि आपको के प्रेस करके जैसे पहले क्या होता आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन एंड स्केल तीनों आता था, अब यहाँ पे आप पहले से सेट कर सकते हो। आपको जैसे आप प्रेस करेंगे कि आपको लोकेशन रोटेशन चाहिए कि रोटेशन या फिर लोकेशन चाहिए, आप पहले सेट करें तब जाके ये चीज आप कर सकते हैं। और जो नई शॉर्टकट की है उसके लिए अब के आ गई है आई के जगह पे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो ऑटो की वाला ऑप्शन था उसमें भी आप मैनुअली या फिर ऑटो खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर मैनुअली है तो मैनुअली पर क्लिक करें तो वो हमेशा मैनुअली रहेगा, कभी भी आप गलती से भी ऑटो की क्लिक करेंगे तो वो आपका नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा फ्रेम्स आपके लिए लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है एंड आई नो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी जब ये नए अपडेट्स को आप अडेप्ट करेंगे, तो जैसे आई का आपको आदत है तो आई चेंज हो गया, अब के हो चुका, इसलिए अपने ध्यान रखिए अगर हम नया ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर अपडेट्स हैं। एंड इसी के साथ साथ जो भी मोशन पाथ यूज करता था उसके लिए रिलेटेड कैमरा का एक एक्टिव ऑप्शन आ चुका है, तो आप जो भी मोशन ट्रैकिंग करता है उसके लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। पहले कैमरा सेटिंग अलग से करनी पड़ती थी, अब उन्होंने कैमरा का एक फ्रेम अपने आप यहाँ पे दे दिया है। एंड इसी के साथ साथ बोल्ड कलेक्शन अब थोड़ी हायरार्की में सेट कर दिया, इसी के साथ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी बोल्स को किसी के अंदर भी डाल सकते हो। पहले हमको बेसिकली उनको मैन्युअली मूव करना पड़ता था, हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजें कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ उनकी जो हायरार्की है वो आपको आउटलाइन में भी यहाँ पे देखने को मिलती है।
इसके साथ सबसे बड़ी यूज अपडेट है कि अगर आप कोई भी एनिमेशन बेक करें तो आप यहाँ पे कस्टम बेसिकली जो एनिमेशन बेक कर सकते हैं, लोकेशन रोटेशन स्केल बोन्स का, उसके साथ साथ आप जूम करके भी जा सकते हैं डायरेक्टली, तो अगर आपका ग्राफ एडिटर यहाँ पे ओपन है तो। पेड पेन में सबसे बड़ी अपडेट आई है कि पहले क्या होता है बहुत सिलेक्ट करने के बाद अगर हम फेस को सिलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ फेसेस में कर सकते थे, अब हम वर्टिसेस और एजेस में भी कर सकेंगे और मोर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हमको बोन्स एंड हमको फेस दोनों दिखेंगे, तो काफी ज्यादा यूज अपडेट है मेरे हिसाब से अगर आप रेंज करते हैं ब्लेंडर में। एंड इसके साथ साथ हम डेडिकेटेड शॉर्टकट कीज भी अपने लिए बना सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, पहले हम कंट्रोल से करना पड़ता था, अब आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप पे रिगिंग के लिए यूज करते हैं वेट पेंटिंग। ऑल राइट, एंड इसके साथ साथ ड्राइवर प्रॉपर्टीज में एक न्यू फॉल बैक प्रॉपर्टीज आ गई जिसमें बेसिकली अब आपको ड्रैगन ड्रॉपिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चीजें कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ फिल ड्राइवर आपके नीचे ही जो रेड अंडर लाइन वाला ऑप्शन है वहीं पे आपको दिख जाएंगे, तो आपको बार बार सर्च करने की आपको बता देगा कि भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना, आपको ऑलरेडी वो हिंट दे देंगे। अब आप पर्टिकुलर सेक्शन पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी अगर की लगाते हैं तो उसके बाद राइट क्लिक करके अगर आप करेंगे इसमें व्यू इन एनिमेशन इन ग्राफ एडिटर तो आपको डायरेक्टली ग्राफ एडिटर में उसका पूरा कर्व दिख जाएगा अगर आपका ग्राफ एडिटर यहाँ पर ओपन है तो। एंड इसी के साथ साथ ग्राफ एडिटर में नया फीचर आई कि आप ऑटोमेटिकली कोई भी की फ्रेम को लॉक कर सकते हैं ताकि वो मूव ना हो, आपको याद रहे कि ये की फ्रेम मेरा इसके लिए था और आप फाइनली वहाँ पे उसको लॉक कर सकते हैं। एंड लास्टली जो हमारी बेसिकली डॉग शीट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं मतलब की सिलेक्शन करने में, एंड अगर आपके पास मिलियंस ऑफ की फ्रेम्स तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट ऑफ लैकिंग, तो एक अच्छी अपडेट है अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन करते हैं ब्लेंडर में। अब बात करते हैं मेरी ज्योमेट्री एंड सिमुलेशन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम ब्लेंडर में 5 टाइप के न्यू ज्योमेट्री नोड ने ऐड करे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर है, उनके नाम है बेसिकली ये। ओके, सो पहला है स्प्लिट टू इंस्टेंस जो बेसिकली हमारे टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा और बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा मोशन ग्राफिक्स वाली चीज़ें करने के लिए, क्योंकि काफ़ी यूजफुल है ब्लेंडर में आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू स्विच क्या करता है बेसिकली, क्योंकि बेसिकली कस्टम टॉप डाउन मेन्यू बनाता है हमारा किसी भी नोट के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स स्विच, फिर है हमारा एक्टिव कैमरा, बेक कैशियस ज्योमेट्री। ये बेक कैशियस ज्योमेट्री क्या करता है बेसिकली, जैसे हमारे पास कोई भी अगर एनिमेशन हमने कहीं से लिया हुआ है या फिर हम कोई एनिमेशन इसमें बेक करते हैं तो हमारे पास बेसिकली डिफॉल्ट एक मोड आ गया जिसकी मदद से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि वो कहाँ बेक होगा कहाँ नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ आप सेपरेट मशीन में यहाँ पे बेक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, वहीं पर आपको डिलीट का आइकन भी दिख जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैश को भी आप डायरेक्टली हम नोड एडिटर में ही सॉरी ज्योमेट्री नोड में एडिट कर सकते हैं, आपको बार बार डेटा प्रॉपर्टी के अंदर आगे नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो नोड टूल हम वाले ऑप्शन मोड में काम करने लगते हैं। एंड इसी के साथ साथ ज्योमेट्री नोड के जितने भी पैनल्स हैं सारे रीऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं और सारी चीजें यहाँ पे हमको परफेक्टली दिख रही है। होने को तो और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं यहाँ पे नोट ग्रुप में, मैं अभी इतनी समझाने वाला हूँ, बाकी अपडेट्स हैं जो पहले हम लोग को देखनी पड़ेंगे कैसे काम करते हैं मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर गाइस अब बात करते हैं बहुत बड़ी बिग अपडेट के बारे में जो है बेसिकली शेडिंग एंड टेक्सचरिंग से, तो शेडिंग टेक्सचरिंग में हमारा एक नोड हुआ करता था मस्ट क्रीम नोड करके, उस नोड को रिमूव करके नॉइज टेक्सचर वाले में ही नोड में डाल दिया है, तो अब आपको जब भी मस्ट क्रीम की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो आप नॉइज टेक्सचर में जाके वो चीज देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग में बेसिकली हमारे सबसे मेन चीज़ है वो है व्यू पोर्ट रेंडरिंग का, जो बिफोर रेंडरिंग हमारा जो डीनोइजिंग था बेसिकली वो थोड़ा सा ऑप्टिक्स में हल्का सा स्लो चलेगा, बट अगर आप जीपीयू में चलाते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। एंड अब बात करते हैं बेसिकली कंपोजिटिंग की, तो कंपोजिटिंग में सबसे बिग अपडेट ये है कि आप व्यू पोर्ट में लाइव कंपोजिटिंग कर सकते हैं, पहले आपको समस्या होती थी आपको वहाँ से ऑन ऑफ करना पड़ता था, वो आप लाइव कंपोजिटिंग कर सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर। एंड सबसे बड़ी अपडेट आई है वो आई है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिकली, तो अगर मान लो आपको कोई भी ओबीजे फाइल डायरेक्टली ब्लेंडर में इंपोर्ट करें तो आपको फाइल एक्सपोर्ट में जाके इंपोर्ट में जाके ओबीजे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपकी जो फाइल ओपन हो जाएगी। एंड ये अभी कुछ ही सर्टेन बेसिकली फॉर्मेट्स के लिए यूज है, बट आपके लिए जितने भी हमारे मेन जितने भी हमारे फॉर्मेट्स हैं उनमें काम करते हैं आप डायरेक्टली इनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत कूल अपडेट है मेरे अकॉर्डिंग। ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा बेसिकली ब्लेंडर 4.1 का अपडेट जिसमें मैंने आपको सारी डिटेलिंग एकदम एग्जैक्टली बता दी कौन कौन सी चीज़ें कैसे हमारी चेंज हुई क्या चेंज हुई है। एंड ये सारी चेंजेस हम जितने भी हम जो नई चीज़ें हम करने वाले हैं और जो मेरा कोर्स ऑफ इंडिया नए वर्जन के साथ यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी हम नए अपडेट्स आएंगे वो नए वर्जन के साथ आएंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा यूजफुल होगा, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा चीज़ों को समझना। अगर आप भी चाहते हैं ब्लेंडर इंडक्शन सीखें तो आप हमारा ब्लेंडर बेसिक एडवांस कोर्स ले सकते हैं, एंड अभी उस पर सेल चल रही है, आप DG20 कोड डाल के करंट प्राइस पर 20% और ऑफ ले सकते हैं, बनिए हमारे मेंबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।